अच्छा जी लास्ट में हम बेटा ये न्यूक्लियर रेडिएशन ये बेटा दो बीमारियां हैं, एक एस्बेस्टोसिस है, एक सिलिकोसिस है। ये लंग्स की बीमारियां हैं जो पर्टिकुलेट मैटर्स को इनहेल करने की वजह से होती है, ठीक है। एक को व्हाइट लंग डिजीज कहते हैं, एक को ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी अब आगे है जी रेमेडीज। लास्ट में हमें क्या करना है, रेमेडीज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, रेमेडीज क्या है। जी आ सकता है, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, रेमेडीज ऑफ एयर पोल्यूशन। भाई वो तो बिजाई बात आप डिटेल में लिखेंगे ना, इसमें तो डेफिनेटली भी देखिए पॉइंट को एक्सप्लेन। जैसे आप रैपिड अर्बनाइजेशन है तो उसमें फिर अर्बनाइजेशन का आप डाटा देना शुरू कर देंगे, न्यूक्लियराइजेशन का डाटा देना शुरू कर देंगे, ठीक है। जब ऐसे में लिखेंगे फिर एक एक पैराग्राफ लिखेंगे एक एक कॉज के ऊपर, ठीक है। अच्छा अब रेमिडीज में एक आता है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एक आता है कंट्रोल, कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल ठीक है, यानी एयर पोल्यूटेंट्स को हम रोक भी सकते हैं, उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर, प्रिवेंटेड प्रिवेंशन का मतलब है कि इनको आप ऐसा काम करें जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स एयर में जाए ही ना। अच्छा कंट्रोल में याद रखिएगा अगेन दो चीजें आ जाएंगी, एक होगा गैसियस पोल्यूटेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा और एक आ जाएगी सस्पेंडेड पोल्यूटेंट ट्रीटमेंट। अच्छा बच्चों ये बेसिकली इसको कंट्रोल की बजाय ट्रीटमेंट लिख लें, क्योंकि ये ट्रीटमेंट है, यानी जब पोल्यूटेंट चले गए हैं एयर में फिर हम क्या करें। तो पोल्यूटेंट दो तरह के ना, या तो पोल्यूटेंट गैस फेज में, ठीक है ना, या वो गैस फेज में या वो सस्पेंडेड फेज में यानी सॉलिड फेज में, ठीक है। तो अगर गैस फेज में है तो इनको और तरह से हम ट्रीट करेंगे, अगर सॉलिड फेज में है तो और तरह से ट्रीट करेंगे। अच्छा अब जो सस्पेंडेड प्लूटेंट्स होते हैं उनके लिए हम मुख्तलिफ तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, उनके आप नाम नोट कर लें, साइक्लोनिक सेपरेटर हम यूज करते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं, इसके अलावा स्क्रबर्स, इसके अलावा ग्रेविटेशनल सेटलर्स, इसके अलावा बैक फिल्टर्स, ये सारी चीजें यूज होती हैं जो एयर में सस्पेंडेड प्लूटेंट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में। बस आपने इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद रखने हैं। और जो गैसियस प्लूटेंट्स की ट्रीटमेंट होती है वो थ्रू रिडक्शन होती है, यानी रिडक्शन कर देते हैं हम, एड्सॉर्प्शन के जरिए होती है, उसको कहीं पे एड्सॉर्ब करवा देते हैं, एब्जॉर्प्शन के जरिए से होती है, केमिकल ट्रीटमेंट होती है, और एक फील्ड है नैनो टेक्नोलॉजी,
इसके जरिए से ट्रीटमेंट होती है। अच्छा बच्चों, अब दिस इज नॉट आवर कंसर्न, ये हमारा कंसर्न नहीं है, दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ जनरल साइंस, ये पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फील्ड की बात है। हमें ज्यादातर फोकस करना है प्रिवेंटिव मेजर्स के, कि हम कैसे एयर पोल्यूशन को होने से रोकेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे इसकी, कि ये एयर में जाए पोल्यूटेंट्स। तो अब जो प्रिवेंटिव मेजर्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत अहम है, इनके ऊपर हमने एक डिटेल से बात करनी। सबसे पहला जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है यूज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। आपने रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस यूज करने हैं, फॉर एग्जाम्पल सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोमैस और वाटर एनर्जी, ये आप यूज करें, ये है रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, ये कभी खत्म नहीं होंगे, पोल्यूशन भी कॉज नहीं करेंगे। दूसरा, आप इसको कैसे रोक सकते हैं, एक्सेसिव प्लांटेशन। सेकंड प्रिवेंटिव मेजर इज एक्सेसिव प्लांटेशन, बहुत ज्यादा प्लांटेशन करें। अच्छा, फिर क्या करें, एक्सरसाइज 3 आवर्स मेथडोलॉजी, एक्सरसाइज 3 आवर्स मेथड्स। ये 3 आवर्स मेथड्स का क्या मतलब होता है, ये 3 आवर का मतलब है रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकल। आप वेस्ट को कंट्रोल करें, रिड्यूस करें, रॉ मटेरियल कम यूज करें जो वेस्ट प्रोड्यूस करता है, चीजों को रीयूज करके रीयूज करें बार बार, और जो जायज चीजें हो गई उनको रीसाइकल करें, इसको कहते हैं 3 आवर्स मेथड। अच्छा, इसके अलावा बच्चों आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चौथी चीज जो है वो है कंट्रोल ऑन ओवर पॉपुलेशन। डू यू नो कि ओवर पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ये रूट कॉज है पोल्यूशन, तो आपने ओवर पॉपुलेशन पे कंट्रोल भी करना है। इसके अलावा बच्चों आपने अर्बन प्लानिंग करनी है, अर्बन प्लानिंग यानी आपने सिटीज को प्लान करना है, फिर अब बात करना है, इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। हमने ऐसे शहर आबाद करने हैं जो कि पोल्यूशन फ्री हो, ठीक है, ये बड़ा अहम है। छठी चीज जो बड़ी जरूरी है वो है यूज ऑफ पब्लिक एंड स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक एंड स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें या स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, जैसे कि वही जो ट्रेन स्टार्ट की, बसेस में ट्रेवल करें, गाड़ियां कम यूज करें, ठीक है ना, ताकि फ्यूल कम से कम यूज हो। इसके अलावा यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स, गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल करें, जिसको यूरो टेक्नोलॉजी कहते हैं, यूरो टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूरो टेक्नोलॉजी वाली कार यूज करें, या इसमें हाइब्रिड कार्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, सोलर व्हीकल्स, उनको प्रेफरेंस दें, हाइब्रिड व्हीकल्स एंड सोलर व्हीकल्स। इसके अलावा हाइब्रिड व्हीकल होती हैं जो पेट्रोल और बैटरी दोनों में चलती हैं, ठीक है, फ्यूल को कंज्यूम कम करें। इसके अलावा फॉलो
the principles of energy efficiency and conservation. यानी आप एनर्जी को बचाएं, कंजर्व भी करें और उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाएं। जैसे आप एनर्जी सेवर यूज करना शुरू कर दें, इन्वर्टर्स यूज करना शुरू कर दें, एफिशिएंसी का मतलब होता है लेस इनपुट बेटर आउटपुट। इनपुट ज्यादा नहीं हो सकती, बेटर हो सकती है। जैसे 100 वाट का बल्ब जो था वो 100 वाट बिजली देता था, रोशनी देता था, और उससे ज्यादा रोशनी ये 25 वाट का एनर्जी सेवर दे रहा है। एलईडी उससे ज्यादा एफिशिएंट। और एनर्जी एफिशिएंसी ये होती है, और एनर्जी जो कंजर्वेशन होती है वो ये होती है कि जब आप एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करें, एनर्जी लॉस को कम से कम होने दें। तो इसको कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों ये है मेन चीजें जिनके जरिए से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो यानी वी कैन प्रिवेंट एयर पोल्यूशन रादर देन कंट्रोल। कंट्रोल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वैसे प्रिवेंशन और कंट्रोल इज द सेम थिंग, ट्रीटमेंट इज अनदर थिंग। इसलिए मैंने वर्ड कंट्रोल से ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है। एक प्रिवेंशन या कंट्रोल है और एक ट्रीटमेंट है। ये प्रिवेंशन है या कंट्रोल है, इसको आप कंट्रोल भी कह सकते हैं। इसमें आप बल्कि नोट कर लें, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कंट्रोल। कंट्रोल तो बच्चों की अब मैंने एयर पोल्यूशन बड़ी डिटेल के साथ आपको करवा दिया, ठीक है ना। ये बहुत जगह पे काम आएगा, क्योंकि आगे अब जो जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं, स्मोग, एसिड रेन, ये सारी एयर पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स हैं जिनको अब हमने डिटेल से पढ़ना। हर एक पे पाँच महीने नंबर का सवाल आता है। तो इंशाल्लाह कल भी मैं कोशिश करूँगा कि दो टॉपिक्स आपको मैं करवाऊँ, स्मोग एसिड रेन। फिर इस तरह अगला लेक्चर होगा, उस पर आपको दो के टॉपिक कर लेंगे। फिर अगले दिन इंशाल्लाह सबका टेस्ट, ठीक है। अभी नमाज जो पढ़ा होगा ना सारा कुछ ही आएगा।